नवीन तुम्हारा आइसक्रीम पूरा पानी पानी हो गया। मैं देखो तो अभी यहाँ पे ब्लॉग एडिटिंग चल रहा है, यहाँ पे ब्लॉग ऑलमोस्ट हो गया है एडिट। अभी जो मेन जिम्मेदारी है वो है कोट लिखना, कोट एक एक को सोचना, फिर लिखो, फिर डिलीट करो, फिर लिखो, फिर डिलीट करो, मतलब बहुत थका देने वाला काम है। फिर और ऐसा भी नहीं है किसी का कोट मैंने कॉपी किया, कॉपी करके डाल दिया, ऐसा तो व्लॉग में कोड डालना भी हो गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कोड डालना भी हो गया। व्लॉग अभी लोड हो रहा है, लोड मतलब अभी उसको टोटल कॉम्पैक्ट करके फाइल बन रहा है। सो व्लॉग तो फुल एडिट हो गया, एडिट होकर उसको फाइल बनने में अभी करीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सो इसमें लिरिक्स नहीं लिया मैं, डायरेक्टली चार्ज पे बिठा दिया इसको, क्योंकि नहीं तो उस दिन की तरह हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एडिट हो रहा है करके एक टाइम में लैपटॉप में हाथ डाला, लैपटॉप देखता है फिर बंद हो के पड़ा है, तो इसलिए मैंने चार्ज पे डाल दिया। अभी ये चार्ज भी हो जाएगा और इसके साथ साथ ये वाला डाउनलोड भी हो जाएगा। सो जब तक वहाँ पे लैपटॉप का काम चल रहा है तब तक मैं थोड़ा फेस का केयर ही कर लेता हूँ, इसलिए ये 2 दिन में एक बार करना चाहिए, इसलिए मैं कर लिया ये वाला। अभी ये वॉश कर लूँगा, फिर ये हफ्ता में नहीं, फिर नेक्स्ट हफ्ता। देखो वॉशिंग मशीन खड़ा करके यहाँ पे रख दिया, कितना जोर देगा। हम लोग बेसिकली पानी पीने के लिए जो वाला फिल्टर यूज़ करते हैं वो ये वाला है। तो अभी फ़िलहाल इसका वॉशिंग चल रहा है करके इसका पूरा DSML कर दिया, इसको पार्ट्स पूरा मैल हो गया, इसमें दिख रहा है कैमरा में कितना मैल जम गया। अभी इसको क्लीन करके फिर मैं दिखाता हूँ कि तभी जैसे मैंने फ़िल्टर को दिखाया, अभी देखो कैसा क्लीन हो गया, तभी जितना मैल था अभी पूरा क्लीन हो गया। सो फेस कर लिया है पूरा क्लीन, इसको 15 मिनट रखना था, 15 मिनट रखा मैंने, फ़िल्टर क्लीन किया, इसको भी क्लीन कर लिया। अभी वीडियो एडिट हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द वे है, हो जाएगा और 15 से 20 मिनट लगा हो जाएगा। मैं बेसिकली बहुत 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 दिन के बाद खाना खा के मन भर गया, मतलब आज सुबह का दाल बचा था वो वाला दाल बनाया, और सुबह थोड़ा आलू बॉयल करके एक सब्ज़ी होता है वो वाला बनाया मैंने, और वो खा के एकदम मतलब मेरा तो फेवरेट है और पीयू का तो फेवरेट है। पीयू अभी पीयू का खाना चल रहा है फिलहाल, और मेरा तो खाना ख़त्म हो गया है, मेरे को तो एकदम मन भर गया। इधर मेरा खाना हो गया है कंप्लीट, और उधर मेरा ब्लॉग का वीडियो भी हो गया है कंप्लीट, वो वाला वीडियो कंप्लीट हो गया है, फाइल बन गया है, अभी सिर्फ उसको अपलोड करना बाकी है। शायद से मैं सोच रहा हूँ आज रात को अपलोड कर दूँ, नहीं तो अगर कल सुबह अपलोड करता हूँ तो हो जाएगा, नहीं तो टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। आज रात को अपडेट करके उसको टाइम सेट कर दूंगा, टाइम सेट करने से वो 9:30 के बाद ही दिखाई देगा। जो सब्सक्राइब करके रखा है मेरा चैनल को वो प्री एक्सेस मिलेगा, और जो सब्सक्राइब नहीं है वो बाद में देख पाए। तो खाना हो गया है कंप्लीट होने के बाद, अभी मेरा बीवी को मन आया है कि उसको आइसक्रीम खाना है करके, सो फ्रिज में थैंक गॉड मेरा आइसक्रीम था करके मैं बच गया। वो आइसक्रीम को अभी थोड़ा सा काट के स्लाइस करके थोड़ा सा छोटा सा कटोरा में उसको देना है। नवीन तुम्हारा आइसक्रीम पूरा पानी पानी हो गया, मैं देखो पानी पानी हो गया। जब कम से कम मेरे को थोड़ा सा इतना सा मेरे को आइसक्रीम मिला है, मेरा लक में जुटा है, इतना थोड़ा सा आइसक्रीम मेरे को जुटा है और खुद से ले लिया, जितना वाला हार्ड वाला था खुद से ले लिया। देखो इतना दूर तक जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाभी आज डेट कौन सा है बोलो, स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या है? हाँ, सब टू है लास्ट। हाँ सब टू, जो और आने वाला नहीं है। आज का दिन ऐसे ही लैपटॉप के सामने बैठा था, बैठने के बाद मैंने देखा आज का डेट ऐसे ही अचानक से आया, कैजुअली आने के बाद मैंने देखा कि ऐसा जो और आने वाला नहीं है, ये डेट मतलब बहुत 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 ही स्पेशल है। जो यहाँ का वेदर है एज पर गूगल के हिसाब से, यहाँ पे जो वेदर है अभी फ़िलहाल 26 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे दिखा रहा है 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो फील हो रहा है वो अराउंड 19 to 20 degrees फील हो रहा है। एक तो बाहर जंगल है, दूसरा मतलब वेदर इतना पॉल्यूटेड नहीं है करके ठंड लग रहा है। सो एक और नया दिन का शुरुआत हो चुका है, बाहर तो धूप धूप होकर रखा है और अंदर पूरा ठंडा ठंडा वेदर रखा है टेम्परेचर।
बेसिकली मैं फ्रेशन अप होकर आ गया, अभी वहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, उसके साथ साथ घर का इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, जो कल मैंने नेटफ्लिक्स देखने के लिए बैठा था इलेक्ट्रिसिटी चला गया, अभी भी वैसा ही हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चला गया पता। तो मेरा दिन का ऑलमोस्ट सभी काम ख़त्म हो गया, ब्रेकफास्ट भी मैंने बना दिया, जैसे ब्रेकफास्ट में मैगी बनाया वो वाला प्यू का है, ये वाला मेरा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मेरा प्याज डाला हुआ है उसमें नहीं है, क्योंकि प्यू प्याज डाल के नहीं खाता, इसलिए प्यू का अलग है मेरा अलग है। सो जैसे कि मैं सुबह बताया कि 23-24 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन अभी जैसा टेम्परेचर दिखा रहा है अंडमान में वह 27 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि आप देख सकते हो ये एज़ पर गूगल के हिसाब से है 27 डिग्री, लेकिन फील हो रहा है 23 की तरह, मतलब अभी थोड़ा गर्म बढ़ रहा है, जितना टाइम बढ़ेगा उतना धीरे 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 गर्म होगा, और हाईएस्ट टेम्परेचर आज जाने वाला है 29 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट जाने वाला। सब कुछ हो गया है, अभी प्यू को सिर्फ छोड़ने जाना है, प्यू को छोड़ के आऊँगा, फिर मेरे को जाना है किचन में खाना पकाने के लिए। सो अभी मैं प्यू को ऑफिस छोड़ के आ गया, अभी मेरे को किचन में जाना है, दोपहर का खाना पकाना है, दोपहर का खाना बेसिकली कुछ भी नहीं है, शायद से अभी क्या पकाऊँ सोच के मैं सोचा कि ये चावल दाल एंड वो कल जो बनाया था पोटैटो का, मतलब आलू का एक बॉयल करके एक सब्ज़ी होती है, खाना पका नहीं पाया, उसके बीच में 3 बार करंट आया और चला गया, मतलब इतना लोशेडिंग यहाँ पे होता रहता है कंटिन्यू, कल से मैं देख रहा हूँ और ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली चावल पक के यहाँ पे तैयार हो गया है, दाल भी ऑलमोस्ट हो गया, और 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा, दाल रेडी हो जाएगा, और यहाँ पे आलू का जो सब्ज़ी है वो वाला आलू बॉयल हो रहा है, सब्ज़ी के लिए यहाँ पे प्याज फिर मिर्ची वगैरह सब कुछ काट के रख दिया जाएगा। सो मैं फ़िलहाल अभी मेरा लैपटॉप को उतारता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स ऑन करता हूँ, थोड़ा नेटफ्लिक्स पर मूवी देखता हूँ, क्योंकि अभी 12 भी नहीं बजा है, तब तक मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो मेरा नहाना पूजा देना खाना पकाना सब कुछ हो गया है कंप्लीट, अभी सिर्फ वेट कर रहा हूँ प्यू को लाने का ऑफिस, उसको भी जाना होगा ऑफिस, क्योंकि आज छुट्टी नहीं है, अभी तो छुट्टी नहीं है, अभी खुलने वाला है, ऐसा मौका है कि अभी खुलने वाला है, धीरे धीरे करके पता लग रहा है कि शायद से 10 तारीख तक खुल जाना चाहिए है, खुलेगा नहीं खुलेगा ऊपर वाले छोड़ दो, उससे ज़्यादा हाथ में जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में, वो कब तक ये करेगा अलाउ करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं, वो ऑब्वियसली कुछ सोचेगा तो अच्छा खासा ही सोचेगा, खोलना है कि नहीं खोलना है जो भी सोचेगा एज़ पर कोविड के हिसाब से, लेकिन अभी तो कोविड केसेस कोई कुछ नहीं आ रहा है करके, सो खोल देना चाहिए। पहले से प्यू का वेट कर रहा हूँ, प्यू कब तक आएगा हम खाने के लिए बैठेंगे, फिर मेरे को ऑफिस जाना होगा, वहाँ पे ऑफिस में थोड़ा बहुत काम है, वो वाला काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं घर आऊँगा ये वाला ब्लॉग को एडिट करने के लिए। अभी प्यू को ऑफिस से लेके मैं आ गया घर में, अभी घर पे आया थोड़ा रेस्ट करूँगा, वो वाला ब्लॉग को अभी छोड़ना पड़ेगा जो बहुत काम का चीज़ है, और ये वाला ब्लॉग को एडिट पे अभी। सो आज अभी डिनर बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा पता नहीं, अभी डिसीजन लेना पड़ रहा है, दोनों मिल के अभी बात कर रहे हैं क्या बनाए नहीं बनाए। बेसिकली मेरा लैपटॉप ऑन हो गया है, मतलब ये वाला ब्लॉग अभी एडिट होगा, एडिट होके कल के लिए पोस्टपोन में रहेगा, कल सुबह ये ब्लॉग आ जाएगा, सुबह नहीं शाम को आ जाएगा, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ऑडियंस हिट जो है वो शाम को ही होता है, सो इसीलिए शाम को ही ये ब्लॉग आएगा, सुबह नहीं आएगा। और अभी के लिए मेरा डिनर हो गया है कम्प्लीट, यहाँ पर चाउमीन मैंने बना लिया है, और यहाँ पर राइस मेरा रेडी हो गया जो है कल। सो अभी मैं ब्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ, अगर यहाँ तक आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो बहुत बहुत थैंक यू, इसके बाद जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे जो घंटी वाला बटन है वो वाला दबा दो कि जल्दी से जल्दी मेरा नोटिफिकेशन आ जाए, और बहुत 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 ही एक अच्छा खबर है कि 8000 व्यूज़ हमने क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके लिए बहुत 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 ही थैंक यू, सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग।